हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर सिस्टम्स को। नंबर सिस्टम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको हम आज यहां स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले समझते हैं नंबर सिस्टम्स के कुछ बेसिक्स ले लेते हैं। आप लोग ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी चीजें जान रहे होंगे, तो जल्दी से हम उसको एक रिकैप कर लेते हैं और नंबर सिस्टम्स को रिफ्रेश करते हैं कि क्या होते हैं नंबर सिस्टम। तो चलो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। तो अभी देखो मेरे हाथ में ये कुछ पेंस दिख रहे हैं, कुछ मार्कर पेंस दिख रहे हैं, और मैंने आपसे कहना है कि भाई आप इनको काउंट करके बताओ कि मेरे हाथ में कितने पेंस हैं। तो आप फटाफट काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3 and 4, और कहोगे सर आपके हाथ में 4 पेंस हैं, 4 मार्कर पेंस हैं। आप भी सोच रहे होगे कि सर ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन तो क्लास 1 का क्या उससे भी पहले के बच्चे बता सकते हैं। सो नाउ यू सी, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछने का बेसिक ये है कि हमने यहाँ सीखा कि जब भी हम कोई नंबर काउंटिंग करते हैं तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, और ये काउंटिंग चलती जाती है, दैट इज 1, 2, 3, 4 and so on। कहां तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक जा सकती है। ये नंबर हमारे कहलाते हैं काउंटिंग नंबर्स, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इनको हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 up to infinity and so on, ठीक है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, बिल्कुल बेसिक्स में चल रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अभी अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम एक जीरो को और इंक्लूड कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये 0, 1, 2, 3, 4, और इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। यहां इसको कहा जाता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में एक जीरो को और इंक्लूड कर दें तो होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर को अगर हमें डिनोट करना है तो हम एन से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को अगर हमें करना है तो हम डब्लू से इसको डिनोट करते हैं। डब्लू, एन नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर में एक जीरो को और इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। अब ये दोनों नंबर हैं, ये सारे नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव। अगर हमने नंबर लाइन सीखी है, नंबर लाइन हम जानते हैं, उसमें जीरो के इस तरफ, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी, उनको इंक्लूड करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 and so on। इस तरफ चलेंगे तो इट इज -1, -2, -3 and so on। जीरो के इस तरफ पूरे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो के इस तरफ पूरे नेगेटिव नंबर्स हैं। इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। ये पूरी सीरीज नेगेटिव और पॉजिटिव, जीरो भी इंक्लूड करते हैं, ये पूरे कहलाते हैं इंटीजर्स। इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, इंटीजर्स को लिखते हैं हम जेड से, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने हमेशा 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3 की बात करी, इनके बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं। वन और नंबर लाइन में आपने देखा होगा 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन में देयर आर इन बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स को हम क्या कहते हैं, उसमें देखेंगे, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कुछ नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P/Q, where Q is not equal to zero, Q जीरो के बराबर नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा। फ्रैक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं,
फ्रैक्शंस, तो ये बन गए हैं फ्रैक्शंस p बाई क्यू की फॉर्म में जो आते हैं, जैसे कि हमने कहा 1/2, 1/3, 5/4 ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आते हैं और उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, q से, और रेशनल नंबर यानी कि जो p बाय q की फॉर्म में हो, इसको आप समझने के लिए मैं आपको बोलूं, रेशनल नंबर वर्ड जो बना है RATIO, रेशो से, रेशो p बाय q, रेशो है ना, रेशो से बना है रेशनल नंबर और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम q से, क्वेश्चन से q, ठीक है। रेशनल नंबर बना है रेशो, दैट इज p बाय q की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो होने से किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड नहीं रहता, सो दैट्स व्हाई यहां पर q डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहां पर मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, ये जो 2 लिखा है 2, क्या वो रेशनल नंबर है कि नहीं है? 2 खाली 2 लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जब भी 2 लिखा है इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, बट वी कैन से इट इज 2/1, 2/1 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बन गया है p बाय q की फॉर्म में, इसलिए 2 इज द रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैं कहूं 0 रेशनल नंबर है या नहीं, 0 रेशनल नंबर है या नहीं, यस इट इज अगेन अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी अगर हम 1 लिख देंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, 0/1, यस। डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं लिखना है, अगर 0/0 नहीं लिखना है आपको, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, या 2/0 नहीं लाना है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन में नहीं आता। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, लेकिन न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, ये तो ऊपर तो 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं -5, रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस, अगेन इट इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये भी इस फॉर्म में आ सकता है, -5/1 इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो हमने इंटीजर्स में देखे, इंटीजर्स में जो हमने देखे, ये सारे नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं। खाली फ्रैक्शंस वाले, इनके बीच के नंबर्स ही रेशनल नंबर होंगे, ऐसा नहीं है, ये इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो, रेशनल नंबर हमने पढ़े, तो कुछ नंबर ऐसे भी हैं क्या जो रेशनल नहीं है? Yes, उसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। एक और आपके पास नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इरेशनल नंबर? जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे भी नंबर हैं जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो ऐसे नंबर हमारे पास आएंगे। हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उसको और समझते हैं क्या है, दैट इज √2, √3, जो इस तरह के नंबर हैं, ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट्स की वैल्यू दी हुई हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखिए, √4 रहेगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप 2 बन जाएगा, ±2, ठीक है। तो ये नंबर रेशनल हो गया, बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप जितने भी रूट्स वाले नंबर हैं उसको कह सकते हो आप, दे ऑल आर इरेशनल नंबर। इनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इन इरेशनल नंबर के ऊपर हम यहां पर अच्छा डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, इरेशनल नंबर के ऊपर डिस्कशन है, ठीक है। चलो, तो इस तरह के नंबर हो गए। इसके अलावा कोई पाई की वैल्यू है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि हमने तो पढ़ा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो ये इरेशनल कैसे हो गया? पाई की वैल्यू हमने कई बार पढ़ी है, पाई इज इक्वल टू 22/7, बट ये पाई की वैल्यू एक अप्रोक्सीमेशन है, ये वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ये नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे तो इट विल बी एन इरेशनल नंबर,
तो ऐसे कुछ और वैल्यूज है इरेशनल नंबर के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे नंबर्स हमें मालूम चल गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और ये सारे नंबर्स मिलकर के, ये सारे नंबर्स मिलके कहलाते हैं रियल नंबर्स। और इसको हम लिखते हैं आर से, ठीक है, रियल नंबर्स। ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर है तो कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं क्या जो रियल नहीं है? बिल्कुल हैं ऐसे नंबर्स, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं आएंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर पढ़ना शुरू करोगे। सो अभी तक हमारा जो क्लास है, अभी तक हमारी जो पढ़ाई है, वो रियल नंबर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगी। इस रियल नंबर्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये रिफ्रेश किया है अपने नंबर सिस्टम्स के ऊपर, कैसे कैसे नंबर्स आते हैं, और अब हम देखेंगे कैसे हम दो नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं।